दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे भारतीय सुपरस्टार के बारे में जिनका बॉलीवुड को ऊपर उठाने में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने अपने जीवन के लगभग 55 वर्ष हिंदी फिल्म उद्योग को दिए और लगभग 50 से 55 फिल्मों में काम किया। इन्हें हम ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय सुपरस्टार दिलीप कुमार की। दोस्तों, दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को तब के हिंदुस्तान और अब पाकिस्तान में स्थित पेशावर में हुआ था। तब उनका नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। बाद में उनके पिता मुंबई आ गए थे, जहां उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया और अपना नाम मोहम्मद यूसुफ खान से बदलकर दिलीप कुमार रख लिया। उनकी पहली फिल्म 1944 में आई थी, जिसका नाम था ज्वार भाटा। 1949 में बनी फिल्म अंदाज की सफलता ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर जी के साथ काम किया था। 1951 में दीदार और 1955 में देवदास जैसी फिल्मों में दुखद भूमिकाओं में मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा। 1960 में बनी फिल्म मुगल आजम में उन्होंने मुगल राजकुमार जहांगीर की भूमिका निभाई। ये फिल्म पहले ब्लैक एंड व्हाइट पर्दे पर बनी थी और 2004 में इस फिल्म को रंगीन पर्दे पर प्रदर्शित किया गया। उन्होंने 1961 में गंगा जमुना फिल्म का निर्माण भी किया, जिसमें उनके साथ उनके छोटे भाई नसीर खान ने काम किया। दोस्तों, 1998 में बनी फिल्म किला उनकी आखिरी फिल्म थी। दिलीप कुमार ने अभिनेत्री सायरा बानो से 1966 में विवाह किया। 1980 में उन्हें सम्मानित करने के लिए मुंबई का शेरिफ घोषित किया गया। दिलीप कुमार को 1991 में भारतीय सरकार ने तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2015 में उन्हें दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें दो बार नेशनल अवार्ड 1961 में फिल्म गंगा जमुना के लिए सेकंड बेस्ट फीचर फिल्म और 1994-95 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया। वर्ष 2000 से वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। उन्हें बतौर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 10 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है। भारतीय फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने 7 जुलाई 2021 को 98 वर्ष की आयु में सुबह 7:30 पर अंतिम सांस ली। दोस्तों, भले ही दिलीप कुमार ये दुनिया छोड़कर चले गए हों, लेकिन ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। हम टीम मिक्स्ड माइंड्स की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।